सेगांव विकास खंड के ग्राम तलकपुरा में क्षेत्रीय विधायक केदार सिंह डावर ने नारी सम्मान योजना के शुभारंभ अवसर पर बताया कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही 1500 रुपए प्रत्येक महिला के खाते में डाले जाएंगे और 500 रुपए में गैस की टंकी और 100 यूनिट बिजली फ्री एवं 200 यूनिट बिजली पर 100 रुपए ही लगेंगे। किसानों का 2 लाख रुपए का कर्जा माफ होगा। लाडली लक्ष्मी योजना जैसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। नारी सम्मान के आपके घर बैठे फार्म भरे जाएंगे। मैं आपके बीच में विधायक बनकर नहीं, आपका भाई व बेटा बनकर आया हूँ और आता रहूँगा। मैंने आपकी हर समस्या का हल करने का प्रयास किया है। हिमाचल, छत्तीसगढ़, राजस्थान व कर्नाटक में कांग्रेस ने नारी सम्मान योजना लागू की है। मध्य प्रदेश में भी सरकार बनते ही ये योजना लागू होगी। हम जो कहते हैं वह करते हैं, उक्त उद्गार व्यक्त किए। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। जाकर के नारी सम्मान योजना के फॉर्म भरे जाएंगे। आप सब अपने अपने आधार कार्ड और समग्र आईडी जरूर साथ में रखें। मैं आपसे 2-3 बातें यहां कहना चाहता हूं। निवाड़ी बोलू चले गए 2-3 बात अपन करूं चाहे। 18-20 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और सिर्फ एक काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया, अपने कार्यकर्ताओं को भ्रष्टाचार करके उनका घर भरा, गरीब का पेट काटा, लोगों को योजनाओं में लाभ नहीं दिया और भ्रष्टाचार। कर्नाटक में तो 40% भ्रष्टाचार था। यहाँ कई कई योजना ऐसी है जिसमें सारे के सारे पैसे खा गए, कागजों पर योजना बना दी। तो बेटों की याद आ गई और उसके लिए उन्होंने माफी भी मांगी इंदौर में कि 20 साल तक हमने आपको याद नहीं किया, उसके लिए माफ कर दो, फिर से एक बार और मौका दे दो। क्या आज भगवानपुरा विधानसभा के तलक ग्राम तलकपुरा में नारी सम्मान योजना का आपने शुभारंभ किया, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस पार्टी की एक महत्वपूर्ण योजना, महत्वाकांक्षी योजना है नारी सम्मान योजना, जिसमें हम प्रत्येक माता बहनों को जो 18 साल से ऊपर है उन्हें 1500 रुपये महीना सम्मान निधि और 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे। आज उसी का हमने विधायक केदार डावर जी की उपस्थिति में और प्रदेश महासचिव गोविंद मुजाले जी के साथ और संगठन के पदाधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में माता बहनों की उपस्थिति में इसका शुभारंभ किया और अब हम घर घर जाकर के पूरी भगवानपुरा विधानसभा में इसके फॉर्म भरेंगे और सब बहनों को इसका लाभ देंगे। कौन सी योजना का शुभारंभ किया गया? आज हमने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ जी ने और कांग्रेस पार्टी ने जो वचन पत्र तैयार किया है उसमें नारी सम्मान योजना एक महत्वपूर्ण है। इसमें 1500 रुपये प्रत्येक 18 साल से ऊपर की माता बहनों को मिलेगा और 500 रुपये में गैस टंकी देने का जो निर्णय लिया, आज उसी का भगवानपुरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम तलकपुरा में हमने इसका शुभारम्भ किया और माताओं बहनों को और हमारे भाइयों को जो उपस्थित जन थे, कांग्रेस पार्टी की योजना के बारे में हम लोगों ने जो जानकारी दी, 1500 रुपये प्रत्येक महिला को, 500 रुपये गैस टंकी को, 2 लाख रुपये तक किसानों में कर्ज माफी, 100 यूनिट फ्री और 200 यूनिट आधा बिल, किसानों के खेती किसानों के जो मोटर के बिल है वो आधे करने का और जो कर्मचारी है, जो हमारे परिवार के लोग जो कर्मचारी हैं उनको पेंशन देने की जो 5 वचन पत्र तैयार किए और इसी की जानकारी देने के लिए आज लोग पूरे क्षेत्र की महिलाएं माता बहनों और भाई हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।